पता है जब मुझसे किसी और लड़के की बातें बताती हो ना तुम, या फिर किसी और लड़के की बातें मुझसे करती हो ना तुम, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सच में यार, अगर तुमसे किसी और लड़के की बातें सुन लेता हूँ ना मैं, तो पता नहीं क्यों पर बहुत हर्ट होता है मुझे। मैं नहीं जानता कि ये सब मेरे साथ क्यों होता है, पर सच यही है कि ये सब मेरे साथ होता है। देखो क्या है ना, कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी और लड़के से बातें करो, क्योंकि यार सब लोग अच्छे नहीं होते हैं, पर तुम ये सब नहीं समझती हो। तुमसे थोड़ा सा कोई हंस बोलकर बातें कर लेता है तो तुम उसे अच्छा समझने लगती हो, पर यार सब लोग वैसे नहीं होते हैं जैसे दिखते हैं। बस इसीलिए तुम्हें मना करता रहता हूँ मैं कि हर किसी से बातें मत किया करो तुम, पर तुम्हें तो ऐसा लगता है ना कि तुम्हें बांध कर अपने पास रखना चाहता हूँ मैं, पर यार ऐसा कुछ नहीं है, फालतू ही ये सब सोचती रहती हो तुम। यार मुझे भी अच्छा लगता है जब खुलकर मुस्कुराती हो तुम और जब बहुत खुश रहती हो तुम। देखो तुम्हें कैद करके अपने पास रखना नहीं चाहता हूँ मैं, पर हाँ जो चीज़ें सही नहीं होती हैं बस उन्हें ही करने से मना करता हूँ मैं। यार तुम्हें बात ही करना है ना, तो तुम्हारी फैमिली में इतने सारे लोग हैं और मेरी फैमिली में इतने सारे लोग हैं, उनसे बातें करो। इन लोगों से बातें करने में कभी मना नहीं करूँगा मैं। सुन रही हो ना तुम कि क्या कह रहा हूँ मैं? पता है जब तुम किसी और लड़के की बातें मुझसे करती हो ना, तो मुझे जलसी होती है, और बहुत जलसी होती है। बस इसीलिए कभी कभी कॉल पे बातें करते करते अचानक से कॉल कट कर देता हूँ मैं, या फिर कुछ नहीं बोलता हूँ मैं, पर ये बात नहीं समझती हो तुम। और वैसे भी ये तो तुम्हारा टैलेंट है ना, कि जो बातें ज़रूरी नहीं होती हैं उन्हें अच्छे से समझ लेती हो तुम, चाहे वो बातें कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, पर समझ लेती हो तुम। अच्छा देखो अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि किसी और लड़के की बातें मुझसे मत किया करो तुम।